तो दोस्तों आज हम राजस्थान बीएसटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा माने लायक प्रश्न से वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है, वापस से वीडियो एक बार, कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है तो कहाँ पर होता है? तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है करौली में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न देखे हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा पशु मेला और ज़िला सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि वह युग्म कौन सा है जिसमें पशु मेला और ज़िला है जो सही सम्मिलित नहीं है? तो वह युग्म है शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है, वापस से पढ़ो एक बार, कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है झालरापाटन में। अगला सवाल है कि किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलू मंडगांव में विशाल मेला लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार, कि किस लोक संत की स्मृति में, ठीक है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड गांव में विशाल मेला है जो लगता है? तो ये लगता है पाबू जी की स्मृति में, ठीक है, पाबू जी की स्मृति में क्या लगता है, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड गांव में विशाल मेला है जो लगता है। अगला सवाल है कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः खालिस्तान जनजाति से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि सीताबाड़ी मेला है जो मुख्यतः खालिस्तान जनजाति से संबंधित है, तो ये संबंधित है सहरिया जनजाति से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान में सही सम्मिलित युग्म नहीं है? तो सही सम्मिलित युग्म नहीं है वो आपको बताना है। तो वह युग्म है जसवंत पशु मेला करौली, यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि दधीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है, कि दधीमती माता का जो मेला है वह निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो ये मेला आयोजित होता है नागौर जिले में। अगला सवाल है कि बैणेश्वर का मेला कब भरता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि बैणेश्वर का मेला कब भरता है। तो ये जो मेला है ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। अगला सवाल है कि लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लंगूरिया गीत है जो किस मेले का आकर्षण है? तो ये गीत आकर्षण है केला देवी का मेला का, ठीक है, केला देवी के मेले का आकर्षण गीत है कौन सा, लंगूरिया। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये 99% लोगों को पता होगा कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आपको याद रखना है वह मेला है बैणेश्वर मेला। अगला सवाल है कि अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। तो ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा युग्म है जो असत्य है वो आपको बताना है। तो वह युग्म है पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा, ये युग्म है जो असत्य है। अगला सवाल है कि गधों का मेला लगता है, तो गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये जो मेला है ये मेला लगता है जयपुर में। अगला सवाल है कि सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि सारणेश्वर पशु मेला है जो आयोजित होता है तो कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये जो पशु मेला है ये आयोजित होता है सिरोही ज़िले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है, वह युग्म बताना है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म है ब्रज महोत्सव अलवर, यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि नारायणी माता जो अलवर का मेला है वह किस तिथि को आयोजित होता है? क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार, कि नारायणी माता का जो मेला है वह किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये जो मेला है ये आयोजित होता है वैशाख शुक्ल
11 को, ठीक है, वैशाख शुक्ल 11 को जो है नारायणी माता का मेला है जो आयोजित होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला है जो कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये मेला आयोजित होता है केलवाड़ा में, ठीक है, केलवाड़ा में आयोजित होता है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। अगला सवाल है कि भर्तृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि भर्तृहरि का मेला है जो राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो ये जो मेला लगता है ये लगता है अलवर में। अगला सवाल है कि पर्वत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि पर्वत सर का मेला है जो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये आयोजित किया जाता है तेजा जी की स्मृति में। अगला सवाल है कि सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीताबाड़ी आदिवासियों का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। तो ये लगता है बारा जिले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है कि खलकानी माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो ये जो मेला है ये मेला लगता है लुणियावास में। अगला सवाल है कि सौरत का मेला कहाँ भरता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सौरत का जो मेला है वह भरता है कहाँ पर। तो आपको याद रखना है ये भरता है मांडल भीलवाड़ा में। अगला सवाल है कि फूल डोल का मेला कहाँ लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या है प्रश्न कि फूल डोल का मेला है जो लगता है तो कहाँ पर लगता है। तो ये मेला लगता है शाहपुरा में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि मत्स्य उत्सव है जो आयोजित होता है तो कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है अलवर में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रश्न वापस से पढ़ोगे कि मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है। तो ये प्रमुख आकर्षण जो है वह है नागौर मेले का। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।